कि इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। दोस्तों, इस सेशन में आपको कुछ ऐसे बेहतरीन ऑप्शन दूंगा जिसका डिमांड अभी भी है और आने वाले कई सालों तक इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। और अगर आप इस तरीके से अपना आगे का करियर चुनते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है, आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, हम ये जानेंगे। दूसरा पॉइंट हम ये जानेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो उसका आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा और आगे आप किस फील्ड में पढ़ाई कर सकते हो, किस क्षेत्र में जा सकते हो और उससे आपको क्या आने वाले समय में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आप कन्फ्यूज हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखिए। वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर आइडिया लग जाएगा जो कि आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, यानी कि हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे जॉब्स के बारे में। हाँ, और एक और बात आपको बता दूँ कि जो मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊँगा वो आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ जॉब तो इतने बेहतरीन है कि जिसकी सैलरी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आगे स्टडी करना चाहते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। उसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप बीएड कर लो। दोस्तों, ये 2 साल का होता है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो। अगर आप बीएड कर लेते हो तो दोस्तों आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। अब तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए बीएड का कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड बेशक करना चाहिए। उसके बाद अगर आप बीएड कर लोगे तो आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी आप टीचर बन सकते हो। टीचर के ऊपर एक डिटेल वीडियो है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि दोस्तों, अगर आपको लेक्चरर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, यानी कि आपको स्कूल में टीचिंग नहीं करनी, आपको कॉलेज में पढ़ाना है, तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको पीजी करनी पड़ेगी। पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। ये 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम से अपनी पीजी की पढ़ाई करो। अगर आपने एक बार अपनी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो दोस्तों उसके बाद आप आगे जाके नेट क्वालिफाई कर सकते हो। जी हाँ, नेट के ऊपर भी एक वीडियो है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो ये है कि आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो किसी कॉलेज में। और अगर आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना, आपको प्रोफेसर नहीं बनना, तो दोस्तों आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। जी हाँ, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो। अगर पीएचडी करते हो तो आपको पीएचडी करने के दौरान भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी और बहुत अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तब भी दोस्तों आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो ये कुछ बेहतरीन ऑप्शन है जिसे अगर आप हायर स्टडीज करते हो तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप अपने नेट क्वालिफाई कर लिया या फिर आपने पीएचडी कर लिया तो दोस्तों आपकी जो भी जॉब लगेगी ना उसकी सैलरी समझ जाए कि 1 लाख रुपए में होगी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक हो जाएगी अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट तक पहुंच जाते हो। इन सभी के अलावा एक और बेहतरीन करियर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ के फील्ड में है, आप लॉयर बनना चाहते हैं या फिर आप जज बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप LLB का कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप LLB का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी आप LLB का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो आप लॉयर बन सकते हैं और कुछ सालों बाद आप जज भी बन सकते हो। ये तो बात हो गई पढ़ाई के बारे में कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या आगे कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन अगर हमने कर लिया, अब हम आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, अब हमें भाई जॉब चाहिए, हमने बहुत पढ़ाई कर ली, क्योंकि सभी की तो फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं ना हो सकती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जॉब की जल्दी से जल्दी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मैंने चुन के रखे हैं। और आप यकीन मानो, ये सारे गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी कैटेगरी के जॉब है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं जो भी आपको जॉब्स ऑप्शन दूंगा ना, ये सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए कॉमन है। चाहे आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है, कॉमर्स से पढ़ाई की है, साइंस से पढ़ाई की है। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली तो दोस्तों आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। जी हाँ, आप बैंक में क्लर्क बन सकते हो, बैंक में मैनेजर बन सकते हो, बैंक में PO बन सकते हो, यानी कि आप किसी भी पोस्ट पे जॉब के लिए एलिजिबल हो।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया, साइंस लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं वही सिर्फ बैंक में जॉब कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है, आपने साइंस से पढ़ाई की, तब भी आप बिल्कुल बैंक में जॉब कर सकते हैं। ये तो बात होगी पहली। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट रेलवे में है तो आप रेलवे में जा सकते हैं। जी हाँ, आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी जाती है आरआरबी की तरफ से, तो उसमें आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन उसमें हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि रेलवे में आप 12 के बाद भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप 12 के बाद रेलवे में जाना चाहोगे तो आपके लिए ज़्यादा पोस्ट, ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली तो दोस्तों, आपके लिए बहुत तरीके के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब जो नेक्स्ट में जॉब ऑप्शन बताने वाला हूँ, ये तो सभी का फेवरेट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। जी हाँ, आप आईएएस बन सकते हो, आप आईपीएस बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप आईएएस आईपीएस भी बन सकते हो, लेकिन हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। इसलिए ना मैं कहता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए, चाहे आपको जॉब करना हो, चाहे बिजनेस में जाना हो। लेकिन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें भी कोई भी स्ट्रीम का कोई टेंशन नहीं है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी, किसी भी तरीके से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट पुलिस विभाग में जाने का है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको डीएसपी बनना है, आपको एसपी बनना है, तब भी अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप उसमें बेशक जा सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आप एसएससी के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। एसएससी में बहुत तरीके की जॉब आती है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप क्लर्क बन सकते हो। इसमें भी बहुत सारे ग्रेड बी के आपको इसमें जॉब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है और उसके बाद आपको किस फील्ड में जाना है, और फोकस अपना किसी एक फील्ड कीजिए, किसी एक ही एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, आप उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे और उसकी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही है ना कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचोगे कि थोड़ा बहुत बैंकिंग के लिए भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत रेलवे के लिए भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत एसएससी के लिए भी पढ़ लेते हैं, कहने को तो सब में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, आपको करेंट अफेयर्स और मैथ्स आते हैं, लेकिन फिर भी उन सब के पेपर पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसलिए सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको बैंकिंग में जाना है, कि एसएससी के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर आपको रेलवे में जाना है, पुलिस में जाना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, सबसे पहले डिसाइड कीजिए, उस अकॉर्डिंग उसका प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न समझिए, उस क्वेश्चन का लेवल समझिए कि कितने हार्ड या फिर कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लग जाइए अपनी तैयारी में, और अगर आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप कमेंट में करके बताइए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो या फिर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो, जॉब में आप कौन सी जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर जो भी मैंने ऑप्शन बताए सबके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, अगर आपको पुलिस बने तो पुलिस कैसे बने, आयुष सरीना आईएएस बने तो आईएएस कैसे बने, आयुष सरीना, ये चीज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे, आपको उन वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए।